हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू. इट्स अमिता मैम हियर विद टुडेज लेक्चर. सो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिहाइड्रेशन टॉपिक को कंप्लीट किया था. अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ योर स्पोर्ट इंजरीज. अगर हम स्पोर्ट इंजरीज की बात करें तो आप स्पोर्ट इंजरीज को कैसे डिफाइन करते हो? ये एक ऐसी इंजरी होती है जब हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हैं उस टाइम पे जब एक्सीडेंटली किसी भी तरह की माइनर या मेजर इंजरी हो, उसको आप क्या कंसिडरेशन में लाओगे? स्पोर्ट इंजरीज. तो हम इसका एक रीज़न ये भी दे सकते हैं, जो एथलीट्स होते हैं उनकी पुअर कंसंट्रेशन की वजह से या पुअर प्रैक्टिस की वजह से या फिर उनके जो इक्विपमेंट वो यूज़ करते हैं वो अच्छे क्वालिटी के नहीं हों, तब भी क्या होती है? इंजरी होती है. और इसकी सारी कंडीशंस क्या नहीं होती? प्रॉपर नहीं होती. दैट मीन्स कि अगर हम प्रॉपर कंडीशनिंग नहीं करेंगे बॉडी की, प्रॉपरली वार्म अप नहीं कर रहे हो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज नहीं परफॉर्म करेंगे बिफोर द एक्टिविटी और एक्सरसाइज, तब भी किस तरह की इंजरी होने के चांसेस होते हैं? स्पोर्ट इंजरीज. और अगर आप कॉमनली स्पोर्ट इंजरीज देखो तो किस किस तरह की होती है? आपकी स्प्रेन हो गई, स्ट्रेन हो गई, नी इंजरी हो गई, स्वेलिंग मसल्स हो गया, फ्रैक्चर हो गया, डिसलोकेशन हो गया, ये तो सब किस तरह की इंजरीज होती हैं आपकी? स्पोर्ट इंजरीज. तो आप सिंपल वर्डिंग में स्पोर्ट इंजरीज को ऐसे डिफाइन करोगे, ऐसी इंजरी जो किसकी वजह से होती है, एक्सीडेंटली होती है और ड्यू टू पर्सन कंसंट्रेशन की वजह से हो, उसको आप क्या डिफाइन करते हो? एज अ स्पोर्ट इंजरीज. अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजरीज स्पोर्ट इंजरीज रहेंगी. फर्स्ट वन इज़ योर एक्यूट इंजरी एंड सेकेंड वन इज़ योर क्रोनिक इंजरी. तो अक्यूट इंजरी सडनली अक्कर होती है जब हम कोई एक्सरसाइज या प्लेइंग एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं. इसमें क्या होता है? आपकी स्प्रेन्ड एंकल, स्प्रेन्ड बैक, फ्रैक्चर हैंड्स या फिर एक्यूट इंजरी हो सकती है. इसके जो साइन और सिम्टम्स रहेंगे इंजरी के वो क्या होंगे? सबसे पहले सडन स्वेयर पेन होगी, स्वेलिंग होगी, एक्सट्रीम लेग में या आर्म में वीकनेस होना स्टार्ट हो जाएगी, हम अपनी जॉइंट को इजिली मूव नहीं कर पाएंगे. तो ये कुछ रीजंस रहते हैं किसके? अक्यूट इंजरी के. देन सेकेंड वन इज़ योर क्रोनिक इंजरी. तो अगर आप क्रोनिक इंजरी देखो, ये कब हैपन होती है? जब आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या फिर प्लेइंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हो लॉन्ग टाइम के लिए. दैट मीन्स कि आपकी बॉडी की कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके अगर जब आप कोई एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हो उस टाइम पे इस तरह की इंजरी होती है. इसके जो साइन और सिम्टम्स हैं, दैट इज़ जब आप खेलते हो उस टाइम पे पेन होगी आपको, देन जब आप एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हो तो आपकी स्वेलिंग और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी. तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं आपके क्रोनिक इंजरी के. तो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक, स्पोर्ट इंजरीज क्या होती हैं और कितनी टाइप की स्पोर्ट इंजरीज होती हैं और उनके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं. देन इसके साथ हमने एक और टॉपिक डिस्कस किया था जो आज के लेक्चर में था, दैट इज़ RICE, एक्सपैंड द टर्म राइस. जैसे आपको पता है आपने 11th में भी किया था RICER, दैट मीन्स की रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन एंड रिहेबलाइजेशन. तो R किस पे स्टैंड करता है? R मीन्स रेस्ट. सबसे पहले हमें क्या करना है? अपनी रेगुलर एक्टिविटी को रिड्यूस करना है, क्योंकि अगर हम रेगुलर एक्टिविटी को रिड्यूस नहीं करेंगे तो जो हमारा इंजर फुट होता है, नी होगी, उस पर वेट पड़ेगा. जब उस पर वेट पड़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इंजरीज होने के चांसेस हो जाएंगे. तो हमें क्या करना चाहिए? क्रंच की हेल्प करनी चाहिए. विद द हेल्प ऑफ क्रंच हमें अपनी इंजरी को क्या करना है? सपोर्ट प्रोवाइड करनी है. दैट मीन्स कि अगर आपकी राइट फुट पर इंजरी हुई है तो आप क्रंच का हेल्प लेके लेफ्ट साइड से क्या करो? वर्क को परफॉर्म करो. अगर आपकी लेफ्ट फुट में हुई है तो आप क्रंच की हेल्प से राइट साइड से वर्क परफॉर्म करो. देन जो सेकंड वर्ड है, दैट इज़ आई. आई मीन्स आइस. इसमें हमें क्या करना है? आइस पैक्स को इंजर्ड एरिया पे पुट करना है 20 मिनट्स के लिए, और हमें ये 5-6 बार पर डे में ये चीज़ रिपीट करनी है. हमें क्या करना चाहिए? कोल्ड पैक्स का, आइस बैग्स का, या फिर आपके प्लास्टिक बैग्स, या फिर आप जो आइस होती है उसको किसी भी टॉवल में रैप करके क्या कर सकते हो? कोल्ड कंप्रेशन अप्लाई कर सकते हो. देन सी मीन्स क्या होता है? कंप्रेशन. कंप्रेशन का क्या मीनिंग है? कि हमें क्या करना है? प्रेशर पुट करना है पार्टिकुलर इंजर्ड एरिया पे. क्यों प्रेशर पुट करना है? सो दैट कि हमारी जो स्वेलिंग है वो क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए. हम प्रेशर किस तरह से पुट कर सकते हैं? इलास्टिक रैप करके कर सकते हैं, स्पेशल बूट करके कर सकते हैं, या किसी भी अनदर वे में भी उस पर आप क्या कर सकते हो? कंप्रेशन या फिर प्रेशर अप्लाई कर सकते हो. देन लास्ट वन इज़ योर ई. ई मीन्स क्या होता है? एलिवेशन. दैट मीन्स कि हमें इंजर्ड एरिया पे क्या करना है? पार्टिकुलर इंजर्ड एरिया को पिल्लो की हेल्प के साथ क्या करना है? उसमें लेवल मेंटेन करना है. दैट मीन्स कि वो
कहाँ फर्दर हेल्प करेगा हमारी स्वेलिंग को रिड्यूस करने में। तो यही चीज़ है कि आर किस पे स्टैंड होता है, रेस्ट, आई मीन्स आइस, सी मीन्स कंप्रेशन एंड ई मीन्स एलिवेशन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट तरह से एक्सपैंड की है, और इसका मीनिंग अगर आप देखो, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन एंड लास्ट जो वर्ड रहता है वो कॉमन रहता है, दैट इज़ रिहेबलाइजेशन। तो बेटा ये दो टॉपिक थे, स्पोर्ट इंजरीज और राइस क्या होता है, तो हमने इसको आज के लेक्चर में डिस्कस किया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।